नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जिस अध्यादेश, जिस कानून की बात हो रही थी, वो अध्यादेश आ गया है। तो इसी बड़ी खबर के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लव जिहाद पर यूपी सरकार का कानून तैयार, 1 साल से 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। नाबालिग लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा दी जाएगी। SC ST लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की सूचना देनी होगी। 2 महीने पहले जिला सूचना मजिस्ट्रेट को बताना होगा। यानी ये तमाम प्रावधान है जो आप इस धर्म परिवर्तन वाले कानून में देखेंगे। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें इस पूरे मुद्दे पर समझा दें कि आखिर नाबालिग के धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। लव जिहाद पर कानून में ये तमाम जो प्रावधान किए गए हैं यूपी की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में जो जो प्रावधान है वो हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। SC ST लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। सिर्फ शादी के लिए अगर कोई परिवर्तन करता है अपना धर्म का, तो इसे अमान्य यानी इसे नहीं माना जाएगा। झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की सूचना आपको देनी होगी और 2 महीने पहले बाकायदा जिला सूचना मजिस्ट्रेट को आपको इस धर्म परिवर्तन के बारे में बताना होगा। क्या कुछ है इसमें, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री से हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यूपी में लव जिहाद पर आखिरकार कानून ऑर्डिनेंस पास हो गया। हमारे साथ लॉ मिनिस्टर यूपी सरकार के ब्रजेश पाठक जी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये कितना जरूरी कानून था और क्यों पास किया? दरअसल उत्तर प्रदेश में काफी अरसे से देखा जा रहा था कि छोटी छोटी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात, समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लाइन ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। क्या ये भी ऐसा भी कुछ था कि कुछ साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा था किसी ग्रुप, संगठन या विदेशी? दरअसल आप अच्छी तरह जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश का जो माहौल है, किस ढंग से लोगों को बहला फुसका करके लाइन ऑर्डर को चुनौती बनते हैं। इसके अलावा समाज में वैमनस्यता भी फैलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने एहतियातन निर्णय लिया है, जो भी कानून तोड़ेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। कब तक अमल में आ जाएगा, क्या उम्मीद? तो आज कैबिनेट ने पास किया है और अध्यादेश की शक्ल में शीघ्र ही लागू हो जाएगा। जैसे ही राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर होंगे उसके बाद ही कानून का स्वरूप ले लेगा। सवाल और बड़ी सवाल ये भी उठता है कि ऐसे कानून या नया कोई कानून आता है उसका मिसयूज भी होता है, दो समुदायों के बीच में वैमनस्यता ना आए, इसके लिए क्या इंश्योर करने के लिए? दरअसल क्या है, किसी को हम शादी से रोक नहीं रहे, केवल हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है इसको रेगुलराइज ढंग से करें। जिलाधिकारी को आपको सूचना देनी होगी अगर धर्म परिवर्तन शादी के लिए करते हैं 2 माह पूर्व, और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो शादी हो सकेगी। आखिर में अगर करीबी रिश्तेदार और बाकी लोग शिकायत करते हैं लेकिन बाद में कपल मान जाता है कि नहीं हमारा जबरन नहीं है, तो क्या वो उनके ऊपर कानून? दरअसल अगर कपल मान जाता है कि हमें शादी करनी है तो कानून में उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जबरन शादी होती है और उसके बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है और जिलाधिकारी को नोटिस देने के विद इन 2 मंथ्स यदि कोई आपत्ति आती है तो शादी न हो सकेगी। चलिए, मध्य प्रदेश में पहल की बात हुई थी सबसे पहले, लेकिन उससे पहले यूपी में तो अध्यादेश आ भी गया। आने वाले वक्त पे इस पर विवाद भी होगा, चर्चाएं भी आप खूब देखेंगे। लेकिन अब बात उस चर्चा की जो आज प्रधानमंत्री ने की देश में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। कोरोना को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, वैक्सीन के बारे में हम नहीं कह सकते, वैज्ञानिकों के कहने का इंतजार करना होगा। कीमत कितनी होगी, डोज क्या होगा, सबके लिए इंतजार करना है, तब तक सावधानी रखनी है। और तमाम राज्यों से उन्होंने उनकी परेशानियों पर चर्चा की और साथ ही
सरकार का क्या रुख है इस पर अवगत करें। हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम। मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 9वीं बार बैठक की तो कोरोना के बारे में चेता भी दिया, राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा तो ये भी साफ कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि कोरोना की दवाई कब आएगी, कितनी डोज देनी होगी, ये सब सिर्फ वैज्ञानिकों को ही पता है। हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए, निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाई व्यवस्था से ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बताया कि सरकार हर नागरिक तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना चाहती है, इसके लिए राज्य और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना की वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले सावधानी ही इलाज है, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसको काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है, हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार है, थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। जो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोरोना से लड़ाई में लिखित सुझाव मांगे, साथ ही देश में टेस्टिंग नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। मोदी ने कहा कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने लगे हैं, ऐसे में उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री की क्लास लग गई। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना के आंकड़े बताने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप अपनी रणनीति बताएं, आंकड़े नहीं। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं, जहां तक कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस
पड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए ये सारे विषय तो आ गया अपने वाले को। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड का इंतजाम करने की मांग की। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी से बकाया पैसा जारी करने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईसीयू से लेकर ऑक्सीजन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा। मोदी की मुख्यमंत्रियों की ये बैठक करीब 2 राउंड में करीब 4 घंटे तक चली। मोदी ने कोरोना संकट पर राज्यों की प्लानिंग पर बात की, तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर भी मोदी ने सरकार का रोड मैप सामने रख दिया। कोरोना के बढ़ते मामले और उस पर नियंत्रण के साथ साथ वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर से कहा कि कोरोना के जो हालात हैं उसको नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को बताया कि वैक्सीन को लेकर के कहां तक तैयारियां पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन वैक्सीन की कीमत और डोज कितनी होगी ये वैज्ञानिक तय करेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और बात दिल्ली की राजधानी में, अभी नवंबर का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, अभी 2000 लोगों की इसी महीने में मौत हो गई। अब सवाल ये कि सियासत आखिर क्यों नहीं दिल्ली में रुक रही है। बेड्स की किल्लत लगातार अस्पतालों में हो रही है, लोगों के मरने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को आगाह किया कि कोरोना संकट पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजधानी में देखिए सड़क पर क्या हो रहा है। बीजेपी नेता विजय गोयल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में सड़क पर मास्क बांट रहे हैं। इस अभियान में एक बैनर भी लगा है जिसमें लिखा है, कोरोना और केजरीवाल से बचो, फ्री मास्क वितरण। बीजेपी यूं तो दिल्ली की सड़कों पर राह चलते लोगों को मास्क बांट रही है, लेकिन दरअसल ये बीजेपी का तंज है केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर जिसमें दिल्ली सरकार ने बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है। 100 से ज्यादा रोज मौतें हो रही हैं, 7000 नए केस आ रहे हैं, किंतु दिल्ली सरकार जो है वो सो रही है। तो मैं समझता हूँ, और उसने एक ही काम किया, जुर्माने को 500 से 2000 कर दिया। लोगों को कितनी परेशानी हुई है जी। अब मैंने कहा है कि 2000 का अगर जुर्माना कर भी दिया आपने, पहले तो करना नहीं चाहिए, तो 2000 के मास्क उसको दे दो ताकि वो खुद भी पहने और दूसरों को भी बांटे। दिल्ली में कोरोना पर सियासी जंग छिड़ी है, तो वहीं कोरोना की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों के आंकड़े पिछले दिनों लगातार बढ़े हैं। मौतों का आंकड़ा पिछले 4 दिनों से लगातार 100 के पार चल रहा है। अस्पताल कोरोना मरीजों से अटे पड़े हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। सोमवार को दिल्ली में 121 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया, जबकि सोमवार को कुल 4454 नए केस सामने आए। सिर्फ नवंबर के महीने में ही दिल्ली में कोरोना से अब तक 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि नवंबर महीने में अभी 6 दिन बाकी हैं। इससे पहले जून के महीने में दिल्ली में मौत का आंकड़ा 2000 के पार गया था। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 8500 के पार चला गया है। तो इस तरीके से बाजार का ये हाल है, और बाजार में भीड़ भाड़ तो बनी हुई है, गाड़ियों की आवाजाही भी बनी हुई है। साथ ही साथ जो मुश्किल लगातार आ रही है वो है सरकार को कि क्या नियम अपनाए जिससे कि भीड़ भी कम हो और बाजार सुरक्षित हो सके, बाजारों में कम से कम कोरोना की वजह से लोगों को चिंता ना करनी पड़े। तो सरकार ये भी चाहती है कि दिल्ली की रफ्तार भी ना रुके और साथ ही साथ कोरोना की रफ्तार पर भी लगाम लगे। महीने भर पहले तक कोरोना पर नियंत्रण को लेकर केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल की चर्चा करते हुए अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब सरकार को भी कुछ सूझ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को राजधानी के हालात पर कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार तक दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि वो दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए कौन से इंतजाम कर रही है।
दिल्ली में स्थिति ठीक होती नजर आ रही है क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है। और जहाँ तक के मौत के आंकड़े की बात करें तो दिल्ली का कंपैरिजन जो है आप वो अहमदाबाद से करें या और किसी महानगर मुंबई से करें, कोलकाता से करें, अन्य महानगरों से करें, देखा जाए तो मृत्यु दर जो है वो दिल्ली में सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार को फटकार लगाई तो उसका असर भी हुआ। दिल्ली में 3T फॉर्मूला यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर फिर से जोर शुरू हो गया। कल ही गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाई। इस मोबाइल लैब में RT-PCR टेस्ट सिर्फ 500 रुपए में होगा। टेस्ट के नतीजे भी 6 घंटे के भीतर मिल जाएंगे। एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देंगी। एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से 3000 सैंपल लिए जा सकते हैं। दीपावली के त्योहार के आसपास बाजार में भीड़ लगने की वजह से दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की लहर तेज हो गई। दीपावली से पहले ही हर दिन मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया। 18 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से कुल 131 लोगों की मौत हो गई थी। 19 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से 98 लोगों की मौत हो गई। 20 नवंबर को आंकड़ा फिर सैकड़ा पार कर गया। 20 नवंबर को 118 लोगों ने दम तोड़ दिया। 21 नवंबर को 111 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 22 नवंबर को 121 लोग कोरोना के चलते काल के गाल में समा गए। जबकि 23 नवंबर को भी कोरोना के चलते 121 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया। फिर भी दिल्ली वालों की मनमानी नहीं रुक रही है। गिर गया था ये बात करते हुए भैया, अभी जूस पीने के लिए हटाया है। लगा रहे हैं भाई मास्क, जरा फोन कर रहा था, बात कर रहा था फोन पे। आप ये समझ लीजिए हम तो अभी टोक रहे हैं। ये रहा मास्क। जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लोग, उनको गवर्नमेंट 2000 रुपए का चालान करेगी और 2000 रुपए तो लेके भी नहीं चलते जेब में, 100-200 रुपए पड़े रहते हैं। दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बाजारों को बंद नहीं करेगी, लेकिन भीड़ है कि मानती नहीं। दिल्ली के नागलोई में जनता मार्केट पर उमड़ती भीड़ को देखकर सरकार ने मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया। संजय शर्मा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली का तो यही हाल है कि एक तरफ सियासत, एक तरफ प्रदूषण और बीच में सब पर हावी महामारी। बात की है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने, सुनिए। अभी जो स्थिति है, क्योंकि अगर देखें एक तारीख से लगातार ग्राफ नंबर ऑफ केसेस का बढ़ रहा है और उससे ज्यादा चिंता की जो बात है वो करीब 100 से ऊपर जो डेली डेथ्स हो रही हैं, जो पहले काफी कंट्रोल में थी दिल्ली में, वो एक बार फिर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए दिल्ली में एक तारीख से जब ये सिचुएशन बढ़नी शुरू हुई थी तो उसके बाद लगभग 10 तारीख तक इसका अभी तक के ग्राफ में पीक देखा गया। 10 तारीख के करीब 8,500 केसेस थे और 7 नवंबर को जो पॉजिटिविटी रेट था वो सबसे ज्यादा पहुंचा था, 15% पे पहुंच गया था। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि जितने लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वो 15% चिंता का विषय बना था। पर उसके बाद से जो अभी तक रोज़ का डेटा आ रहा है उसमें 8,500 से नीचे गए हैं केसेस, ये भी हम देख रहे हैं, तो ये लगातार कम हो रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हुआ है, वो 15% की जगह अब लगभग 10% है। आज का डेटा ये है कि 61,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें से 6100 पॉजिटिव आए हैं, तो 10% के करीब है, जो ये बता रहा है कि अभी नीचे की तरफ जा रहा है। पर आई वुड से कि कोविड की पूरी बीमारी, इसका पूरा अभी तक का जितना भी करेक्टर है वो अनप्रेडिक्टेबल रहा है, तो आज मैं ये कहूँ कि नहीं अब खत्म हो गया, अब इसके बाद नीचे जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता है दुनिया में अभी भी, पर स्थिति अभी नीचे जाती दिख रही है। सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में दिल्ली सरकार को कहा कि आपने 1 से 10 तारीख तक आपने रिएक्शन जो है आपका लेट रहा। शुरुआत में देखा कि अगर और गवर्नमेंट्स के कंपेयर में बात करें, कंपैरिजन में, तो दिल्ली सरकार बहुत प्रोएक्टिवली दिखाई पड़ रही थी काम करती हुई। आपको लगा कि कुछ चूक हुई, शायद थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि ओपन अप जो आपने करा, आपने इस साथ उम्मीद से करा कि लोग भी ध्यान रखेंगे, फेस्टिव सीजन में मार्केट बिल्कुल भरे हुए थे, उसके बाद शायद सरकार को जो हार्ड डिसीजंस अब आप ले रहे हैं वो लेने में थोड़ी देर हुई? नहीं, मुझे लगता है सरकार ने जो काम किया है पिछले 7-8 महीने में कोविड के दौरान,
वो बहुत स्पीड से किया है। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हर चीज की निगरानी रखे हुए हैं। आप देखिए कि इस संकट की कोरोना के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, एकमात्र नहीं है लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक पूरे नॉर्थ इंडिया में पराली का धुआं फैल गया। तो जिन लोगों को पराली लंग्स में जाके ठहरता है, जिन लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम्स हो रही थी, थोड़ी भी प्रॉब्लम थी अचानक वो बढ़ी, और जिनको अंदर थोड़ी सिम्टोमेटिक थी, जिनकी सीरियसनेस थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। तो जितनी हम डेथ देख रहे हैं, जितने हम केसेस देख रहे हैं, इसमें पराली एक बहुत बड़ी वजह है, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसकी वजह है। तो पराली का सॉल्यूशन निकल आए, दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही थी, पूसा इंस्टीट्यूट ने इस पर काम किया, उसको लेकर लोगों के बीच में गई, दिल्ली के किसानों के बीच में गई। आज पराली का सॉल्यूशन है, आज ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे, इधर ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ कैसे कोरोना हुआ और प्रचंड, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजधानी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल और इस पर हो रही सियासत, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी वजह दिखा रही है, एक तरफ प्रदूषण का असर है तो दूसरी तरफ ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, ठंड हुआ प्रचंड और कहर भी कोरोना। इस टाइम में जब ये मौसम खराब है, सर्दियों में कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं और साथ में कोविड भी है, कोविड 19 के अटैक को ये और घातक बना देता है वायु प्रदूषण। पॉल्यूशन ये बहुत बड़ा इस बार फैक्टर रहा है, पराली का धुआं, कोरोना था, पराली के धुएं ने उसको और वर्स किया। विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है, हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भयंकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये बदलता हुआ मौसम कोरोना के लिहाज से बेहद घातक है। दिल्ली में इस दफा नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और देश की राजधानी में रिकॉर्ड टूट गया है कोरोना का भी। जी हाँ, दिल्ली पर इस वक्त डबल अटैक हो रहा है, एक तो सर्दी, दूसरा प्रदूषण, और एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण काफी अधिक रहेगा। 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है और यही वजह है कि दिल्ली बीमार और बहुत बीमार हो रही है। सर्दी और प्रदूषण के इस संगम में ही कोरोना वायरस दिल्ली वालों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है। जो ये स्पाइक आई, जिसे हम थर्ड वेव कहते हैं दिल्ली में, इसके कई कारण हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी आपके फेफड़ों पे प्रहार करता है, कोविड 19 भी आपके फेफड़ों पे प्रहार करता है, और कोविड 19 के अटैक को ये और घातक बना देता है वायु प्रदूषण। इसी के चलते पड़ोसी राज्यों, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, जो इन महीनों में खूब पराली जलाते हैं, जिसके चलते दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती है, वायु प्रदूषण का स्तर खराब होता है। केजरीवाल सरकार राजधानी में कोविड 19 की तीसरी लहर के पीछे पराली जलाना भी एक वजह बता रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में प्रदूषण को कोरोना फैलने की एक बड़ी वजह बताया। केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि दिल्ली सरकार बार बार कह चुकी है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कोरोना बढ़ा है, आप पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दखल दें। हम आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सोमवार को पराली से जलने वाले प्रदूषण को कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पीछे जो पराली के जलने से जितना पॉल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से केस खराब हुए, जितना पॉल्यूशन था, जो कोविड से पीड़ित थे उनको, उनके केस काफी खराब हुए और उसकी वजह से डेथ में काफी इजाफा हुआ। तो क्या पराली से फूट रहा है दिल्ली में कोरोना बम? क्या दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर प्रदूषण से आई? क्या दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण के डबल अटैक से मौत के मामले बढ़े? देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पॉल्यूशन से दूर की बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन मेरे पीछे इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी ओर है इंडिया गेट, एक भव्य मॉन्यूमेंट जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन ने उसको घेर लिया है।
दूसरी तरफ कोविड के बढ़ते हुए केसेस हैं। इस समय दिल्ली को जंग दो तरफा लड़नी है, एक तरफ पॉल्यूशन लेवल को गिराना है और दूसरी तरफ कोविड के केसेस को भी कंट्रोल में करना है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है अगर पॉल्यूशन का स्तर नहीं गिरा तो कोविड केसेस के अंदर बढ़ावत हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा कोविड के केसेस भी बढ़ेंगे। इस समय अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफी चीजें करी हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी 500 का जो फाइन था वो बढ़ा के अब 2000 रुपए हो चुका है। वैसे एक बात गौर करने वाली ये है कि जैसे ही देश में ठंड बढ़ी है एकदम से कोरोना के मामलों में उछाल आया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वायरल संक्रमण फैलने के तीन प्रमुख कारण होते हैं, पहला मौसमी परिवर्तन, दूसरा मानव व्यवहार और तीसरा वायरस का मौसम के साथ व्यवहार परिवर्तन। वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोर वॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं, जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता है। इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है और लोग संक्रमण से बेखौफ होकर लापरवाही के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। सर्दी का मौसम और दूसरा वायु प्रदूषण कोरोना के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि वायु प्रदूषण फेफड़ों पर असर करता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, ऐसे में कोरोना का हमला घातक हो सकता है। इस टाइम में जब ये मौसम खराब है, सर्दियों में कई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बढ़ जाती है और साथ में कोविड भी है, तो कई दफा ये जिन लोगों को अंडरलाइन प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा सीवियर हो जाती हैं और उससे मोर्टैलिटी या डेथ भी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो सर्द मौसम में नमी में वायरस करीब 72 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं, और जिस तरह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है उसके साथ साथ कोरोना का खतरा भी बेहिसाब बढ़ रहा है। देश के पहाड़ी राज्य कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट आई। ऐसे में ठंड से बचना बेहद जरूरी है, वरना कोरोना अपना प्रचंड रूप अख्तियार कर सकता है। आज तक ब्यूरो। तो ठंड बढ़ने से, प्रदूषण से कैसे घातक हो रहा है कोरोना, आपने इस रिपोर्ट में देखा। लेकिन अब बात अन्य राज्यों की भी करते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ प्रतिबंध उन लोगों पर जो दूसरे राज्यों से आएंगे, कोरोना टेस्ट की आपको रिपोर्ट दिखानी होगी। और आउट ऑफ कंट्रोल जिस तरह से महाराष्ट्र में भी कोरोना हो रहा है, उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया है कि अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो सुनामी आएगी। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है उसकी धमक ने देश के कई राज्यों को डरा दिया है, और दिल्ली से कोई सबसे डरा है तो वो है महाराष्ट्र सरकार। ठंड, प्रदूषण और त्योहारों के सीजन के बीच जिस तरह से कोरोना को लेकर लापरवाही बरती गई, उसने कोरोना की एक और लहर देश में ला दी है, और इसमें सबसे बुरा हाल दिल्ली का हुआ है, जहां हर घंटे कोरोना से 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना की आंकड़ों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसे में कोरोना से सबसे ज्यादा सतर्क महाराष्ट्र हो गया है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है, यानी कोरोना की बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। महाराष्ट्र में नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। मुंबई पहुंचने पर भी एयरपोर्ट पर उन्हें यह नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करानी होगी। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी।
अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट होगा। महाराष्ट्र राज्याने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयाद्वारे दिल्ली असो, राजस्थान असो, गोवा असो, गुजरात असो, या राज्यातनं जर महाराष्ट्रामध्ये जर प्रवासी येत असतील त्यांना महाराष्ट्रात यायच्या पहिले 25 तारखेपासून RT-PCR चा टेस्ट हा निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट त्यांना दाखवल्याशिवाय। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर इस कदर डरी हुई है कि उसने बाहर से आने वालों के लिए नहीं बल्कि घर में भी कोरोना की तगड़ी टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब आपको एक रेस्टोरेंट के अंदर लिए चलते हैं जहां दिवाली पर भीड़ जुटी थी। दिवाली के बाद मुंबई में BMC ने टारगेटेड कोविड टेस्टिंग शुरू की है, यानी कि कोविड टेस्टिंग उन जगहों पर की जा रही है जहां पर दिवाली के दौरान गर्दी हुई थी, चाहे वो फिर हॉकर्स हो, फ्रूट मार्केट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, शोरूम्स हो जहां पर लोग शॉपिंग के लिए गए थे, इन सभी जगहों पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में हैं मुंबई में प्रार्थना समाज में, उस रेस्टोरेंट में टेस्टिंग का कैंप लगाया गया है ताकि जो एम्प्लॉयज इस रेस्टोरेंट के उस वक्त दिवाली के काम कर रहे थे, लोगों के टच में आए थे, उनकी टेस्टिंग की जा सके। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो रियल नंबर्स है कोविड के दिवाली के बाद वो सामने आ सके और वेव जो है उसमें आने से कम इफेक्ट हो, क्योंकि लोगों का एक सेग्रीगेटेड केसेस नंबर इंक्रीज होगा तो दिल्ली या बाकी स्टेट से आने वाले ट्रेवलर्स हो या फिर खुद मुंबई के जो लोग हों उनका टेस्ट कर कोविड नंबर जो है BMC आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पिछले 6 दिनों में कोरोना की नई रफ्तार देखने को मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये चेतावनी दे चुके हैं, अगर जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो कोरोना की अगली लहर सुनामी जैसी हो सकती है। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करते हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से यहां पर भी कई सारे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है तो कहीं पर स्कूल जहां जहां खोलने का प्लान किया जा रहा था वो सब प्लान अब ठंडे बस्ते में है। कोरोना की ये नई लहर देश के कई राज्यों के लिए दहशत बन गई है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर मीटिंग भी की। त्योहारों की छूट अब राज्य दर राज्य और शहर दर शहर कहर बनकर गुजर रही है। दिल्ली से आने वालों पर नोएडा और गाजियाबाद से गुरुग्राम तक नजर रखी जा रही है, लेकिन जो राज्य दिल्ली से दूर है वहां भी कोरोना ने फिर से घुसपैठ कर ली है। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू के बाद भी कोरोना का आंकड़ा 3,000 से नीचे नहीं आया। सबसे पहले आपको राजस्थान का हाल दिखाते हैं। नए आंकड़ों में एक दिन में राजस्थान में 3,232 नए केस आए। कोरोना की महामारी ने 24 घंटे में 19 लोगों की जान भी ले ली। ये हालात इतने खराब हो चुके हैं राजस्थान में कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से 3,000 से ज्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं। रोजाना रिकॉर्ड बन रहा है, 18 मौतें हुई है कल, जो अब तक सबसे ज्यादा है इस पूरे कोरोना काल में। दिवाली के बाद गुजरात में भी कोरोना का धमाका इतना तगड़ा था कि अहमदाबाद में 60 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू। दिसंबर तक 10वीं और 12वीं के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी है। कोरोना पर काबू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर कुछ इसी तरीके से जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो पैसेंजर आते हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ये टेस्टिंग की जाती है और आप देख सकते हैं अभी अभी जो ट्रेन आई है उसके यात्रियों के लिए यहाँ पे टेस्टिंग की ये व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। आज तक हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आखिर असदुद्दीन ओवैसी के विधायक ने हिंदुस्तान बोलने से क्यों परहेज किया, देखते रहिए आज तक। शपथ लेते वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के MLA ने हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया, अब इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। संविधान में भारत के लोग, भारत का संविधान, इसलिए मैं समझ में इजाजत हूँ।
ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सीमांचल में अपना वर्चस्व दिखा दिया, लेकिन जैसे ही विधानसभा में विधायकों के शपथ लेने का टाइम आया तो बवाल मचा दिया। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ में हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल को उर्दू में शपथ लेनी थी और उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ था और इसी को लेकर अख्तरुल ईमान ने विरोध दर्ज कराया। अख्तरुल ईमान ने प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी से कहा कि वो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान के इस अजीबोगरीब मांग के बाद कुछ देर के लिए मांझी भी सख्ती में आ गए। बाद में अख्तरुल ईमान ने भारत शब्द का इस्तेमाल करते हुए शपथ ली। रोहित सिंह, पटना, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।